सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा एंड वेलकम टू माय हैप्पी गार्डन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, गार्डनिंग कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो होने वाला है ओवरव्यू वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों को जुलाई मंथ एंड का ओवरव्यू देने वाली हूं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आए कहीं पर भी थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। उसके साथ साथ अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। 60%+ लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते, बट रेगुलर व्यूअर्स हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्री है, कुछ नहीं जाता, बस एक रेड कलर का सब्सक्राइब आपको नीचे भी दिखा हुआ दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, सो दैट जब भी कोई वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वीडियो आ गया है, आप चेकआउट कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यही वाला कॉर्नर अपना दिखाने वाली हूँ, जो कि आपको पता है मैंने एक DIY बनाया हुआ है। इसमें मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स लगाए पिछले गर्मियों में। हमने यहाँ पे काफ़ी सारी ककड़ी थी जो वो हार्वेस्ट की। अब यहाँ पर मेरे पास बैंगन के पौधे लगे थे जो कि अभी सही नहीं है, बट उसके साथ साथ यहाँ पर हमने कुछ अरबी लगाई थी, जिसकी मैं आपको जर्मिनेशन दिखाना चाहती हूँ। तो ये आप देखोगे कि इसमें पत्ते निकल आए हैं। जर्मिनेशन मैंने आपको पहले दिखा दी थी, बट अब इसकी लीव्स बन रही हैं। यहाँ पे भी आप देखोगे कि लीव्स बननी स्टार्ट हो चुके हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर भिंडी के पौधे लगे हैं जो कि अब अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। उसके साथ यहाँ पे आप देखोगे करेले की बेल लगी है, जिसमें छोटे छोटे करेले आने स्टार्ट हो चुके हैं। ये हमने गर्मियों में लगाई थी, बट अब जाके इसमें करेले लग रहे हैं। थोड़ा सा इस तरफ मैं लेके चलूँगी आपको, तो यहाँ पर आप देखोगे कि करेले ऑलरेडी लग रहे हैं। ये देखो इधर लग रहे हैं, ये देखो, इनको हम जल्दी ही हार्वेस्ट करेंगे, ये आप देख रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पे स्पेस हमारे पास कुछ खाली थी, यहाँ पे मैंने बीन्स के पौधे लगा दिए, लंबी वाली यार्ड बीन्स है ये। होपफुली ये जल्दी ग्रो करेगी और इसमें हमें बीन्स देखने को मिलेंगी। और भी मैंने बीन्स लगाई हुई हैं, उसकी क्या अपडेट है मैं वो आपको इस वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। कुछ सनफ्लावर्स यहाँ पर लग रहे हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल हैं, और करेले यहाँ पर ये ऊपर की तरफ को चढ़ने की कोशिश कर रही है बेल। अगेन यहाँ पे सनफ्लावर्स हैं, ये ड्वार्फ वैरायटी के सनफ्लावर्स जिनको मैंने सीड से लगाया था। यहाँ पे भी कुछ फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे, ये छोटे छोटे पॉट्स में ही लगे हुए हैं, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं हुई, बट हाँ फिर भी हमें फ्लावर्स इसमें देखने को मिले। दूर से ये कॉर्नर इस तरीके से लगता है। यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास विंका लगी है हाइब्रिड, दो शेड्स में थी ये। एक पौधा ये अच्छा ग्रो कर रहा है, दूसरे वाले में ठीक ठाक सी ग्रोथ है। पौधे में देख सकते हो आप, फूल आ रहे हैं, सूख रहे हैं और गिर जाते हैं। इसमें आपको बहुत सारी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। कल ही मैंने यहाँ पे एक तुलसी का पौधा ट्रांसप्लांट किया है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक छोटा सा कोचिया का पौधा है, वो भी अच्छा चल रहा है। दो पपीते के प्लांट्स थे जो कि ओवर वाटरिंग से ख़राब हो गए थे, ये देख लो कैसी हालत हो रही है इनकी, तो मैंने इसलिए उठा के इनको वॉल पर रखा ताकि इनको फुल सनलाइट मिल सके। यहाँ पे कुछ मिर्च के पौधे हैं जिसकी हमने प्रूनिंग की थी। प्रूनिंग करने के बाद इसमें फ्लावर्स आपको दिख रहे होंगे, छोटे छोटे फ्लावर्स आए हुए हैं, बट अभी इसमें मिर्च कोई नहीं लगी हुई। यहाँ पे भी हमारे पास कुछ पौधे हैं, आई थिंक इनको एक्स्ट्रा डोज की ज़रूरत है, क्योंकि ये आप देख पाओगे ये थोड़ा वाइट सी हो रही है इनकी लीव्स। बट यहाँ पर हमारे पास कैप्सिकम के भी प्लांट्स हैं, इसमें फ्लावरिंग हो रही है, बट साथ में मुझे लग रहा है कि इसमें लीव कर्ल वायरस भी आ गया है। और उसके बाद यहाँ पे एक चिली का प्लांट है, इसको मुझे ट्रांसप्लांट करना होगा, क्योंकि आई थिंक इसकी रूट्स ख़राब हो रही हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक में ना जब ज़्यादा वाटरिंग हो जाती है, जैसे कि बारिश वारिश ज़्यादा हो जाती है, तो फिर ये प्लास्टिक के पॉट्स थोड़े से इनका नेगेटिव सा इफेक्ट ये रहता है कि इसमें पानी जल्दी से सूखता नहीं है, तो जो प्लांट्स बिल्कुल भी हैवी वाटरिंग टॉलरेंट नहीं होते उनके फिर वो ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे एक और मिर्च का पौधा है जो कि अपशूट मिर्च है, जिसमें आप नई ग्रोथ देख पाओगे। ये हमारा अगेन एक टिंडे का पौधा है जो कि यहाँ पे अपने आप निकल आया है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे हमारी मालाबार स्पिनिच है जो कि काफ़ी अच्छी चल रही है, ये अच्छी ग्रोथ ले ली है इसने इसके साथ में। ये और भी सारे प्लांट्स हैं जो ये मालाबार स्पिनिच के ही हैं, ये छोटे छोटे जो आपको नज़र आ रहे हैं। अगेन यहाँ पर हमारे पास एक ड्वार्फ सनफ्लावर है, छोटा सा फूल यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये देखो। उसके बाद ये हमारी गॉम्फरीनाज हैं जो कि काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करते जा रही हैं। दो प्लांट्स थे ये, एक ख़राब हो चुका है बट अब ये एक ही बचा हुआ है। यहाँ पे कुछ मैरी गोल्ड है, और यहाँ पे अगेन एक छोटा सा शिमला मिर्च का पौधा, जिसमें पिछले दिनों हमें शिमला मिर्च मिली थी, बट अभी इसमें सिर्फ फ्लावरिंग हो रही है, मतलब कि बडिंग स्टार्ट हुई है। ये बैंगन के पौधे रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी भिंडी है जो कि देसी वैरायटी की है, इसलिए आप देखोगे कितने बड़े बड़े हो गए हैं इनके प्लांट्स। चार पौधे इसमें हैं, ये वाले ड्रम में जहाँ पे हमने पिछले टाइम कॉर्न्स लगाई थी उनकी हार्वेस्ट की। और यहाँ पे भी दो पौधे हैं, एक पौधा यहाँ पर लगा हुआ है जो कि ये हमारे बड़े से मोरिंगा के प्लांट के ऊपर है। देखो मैंने सीड से लगाया था ये पौधा,
फरवरी में आप लोगों के सामने ही। और अब ये एक इतना बड़ा हो गया है, ऑलमोस्ट 5 फुट का हो चुका है ये पौधा। उसके बाद ये पौधा और एक दूसरा प्लांट जो कि हमारे यहाँ पर ये छोटे पॉट में लगा हुआ है, ये दोनों साथ में ही लगाए थे, बट एक कहाँ पहुँच गया और दूसरा ये देखो। तो ज़रूरी नहीं है कि हर पौधा एक जैसा बिहेव करे, सबके अपने अपने स्टाइल्स होते हैं ग्रो करने के। चलो इस कॉर्नर को कवर कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि कोलियस लगी है जिसमें कि फ्लावरिंग हो रही है। दो प्लांट्स थे ये, नीचे से ख़राब हो रहे हैं ये बरसात की वजह से। गर्मियों में तो इन्होंने सर्वाइव कर लिया, बट बरसात में भी एक्स्ट्रा पानी से ख़राब हो रहे हैं। होपफुली इनकी कटिंग मैं लगा पाऊँ। ये एक हैंगिंग बास्केट है पॉर्चुला का की, बहुत सारी गिलोय लग रही है यहाँ पे। वो कितनी लंबी लंबी इसकी शूट्स निकल निकल के आ रही हैं, और हमने इसको पिछले सर्दियों में प्रून नहीं किया था, इसलिए ये अब पुरानी ही जो इसकी बेल थी उसी पे ये सारी नई पत्तियाँ आई हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारी कुछ हैंगिंग बास्केट्स हैं जो मैंने तैयार की थी दोबारा से, जिसमें हमारी काफ़ी सारी लग रही हैं टर्टल वाइन्स। यहाँ पे आज खिल, एक्चुअली शाम का टाइम है आज, तो ये खिल के बंद हो चुके हैं कुछ। होपफुली इसमें नए हमें और फूल देखने को मिले, जो कि थे रेन लिलीज। यहाँ पे हमारी कुछ DIY बर्ड्स हैं जो कि यहाँ पे से हैंग होती रहती हैं। और फिर आप देखोगे ये हमारे पास अगेन विंका है पिंक कलर की। इसके सामने भी, इसके साथ भी काफ़ी सारी हमारे पास मॉस रोज थी, वो मैं निकाल चुकी हूँ। मैं धीरे धीरे अपने मॉस रोज को ख़त्म कर रही हूँ। काफ़ी हद तक मैंने यहाँ पर भी आप देखोगे अपने पौधों में इस तरीके से जो गमलों के आसपास लगी हुई थी वो सब निकाल दी है। यहाँ पे बहुत सारी फ्लावरिंग हो रही है ये हमारे बोगनविलिया में, तो इसलिए आई थॉट कि इनको निकाल देते हैं। और अब जैसे बरसात है तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड भी हो रहा है, तो मुझे लगा कि थोड़ा स्पेस बनानी चाहिए, ऐसे ही जंगल जैसा गार्डन अच्छा नहीं लग रहा। और यहाँ पर आप देखोगे ये भी है पॉर्चुला का, इसको भी मैं निकाल दूंगी, जल्दी ही निकालने वाली हूँ। इसके आसपास भी थी, ये हमारे पास है जैस्मिन का पौधा जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी बर्ड्स हैं, देखो। तो होपफुली ये जल्दी फूल में बन जाएंगी। और उसके बाद ये हमारा है, ये तो आप देखते ही रहते हो, जो कि हमारा है नाम क्या है इसका, हिबिस्कस। तो उसके बाद ये है हमारा हिबिस्कस, तो आप देख पाओगे इसमें फ्लावर अभी भी खिला हुआ है। और ये हमने कटिंग से तैयार किए थे हिबिस्कस, इसमें भी फ्लावरिंग होती रही। ये हमारे हाइब्रिड हिबिस्कस हैं जिसमें कि अब जाके फ्लावरिंग होएगी बरसात के मौसम में। एक ये है ऊपर हमारे पास, ये येलो कलर में है, ये है पिंक एंड वाइट में। इसके बाद ये हमारे चाइनीज़ लेमन, जिसमें कि बहुत सारी आप देखोगे फ्लावर्स आ रहे हैं, आई होप उतने ही इसमें आगे फ्रूट्स भी लगेंगे। ये हमारा लेमन है जिसकी पिछले दिनों प्रूनिंग कर दी थी, ये नई नई शूट्स आपको नज़र आ रही होंगी, देखो ये सारी न्यू शूट्स हैं और बहुत जल्दी इन्होंने ग्रो किया है, और इसमें लेमन्स अभी तक नहीं हैं, बट होपफुली ये पौधा जब अपनी पूरी ग्रोथ ले लेगा तब ये अच्छे लेमन्स भी प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे हमारे पास पम्पकिन की ये बेल है, ये देखो अच्छी ग्रोथ इसमें चल रही है। बैंगन भी सर्वाइव करने लग गए हैं, इसमें अगेन फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये हमारे पास मिनिएचर रोज़, इसमें तो छोटे छोटे रोज़ेस आते ही रहते हैं, देखो यहाँ पर कितने सारे रोज़ेस हैं इस तरफ को, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो 5 से 7 रोज़ यहाँ पर हैं, फिर दूसरी तरफ भी। और ये है हमारे पास स्टारलाइट फाइकस, इसके साथ साथ ये रोज़ भी है जिसमें बर्डिंग हो रही है, ये आप देखोगे छोटी छोटी बर्ड इसमें आएंगी। इसके बाद ये स्टारलाइट फाइकस, ये बहुत सुंदर लगता है, और ये गर्मी में, ज़्यादा गर्मी में इसकी पत्तियाँ झुलस गई थी, बट अब ये अच्छी ग्रोथ ले लिया है इसने, देखो ऊपर ऊपर से। ये हमारे पास है सॉन्ग ऑफ इंडिया, जिसके हमने लास्ट सीजन कटिंग में लगाया था, और ये अभी इतना ग्रो कर गया कटिंग से। ये अगेन हमारे पास कोचियाज हैं, और यहाँ पर हमारे पास पॉर्चुला का, इसको मैं खाली कर दूंगी। यहाँ पे हमारा रात की रानी का प्लांट था, मैंने उसको हैवी प्रून किया और उसके बाद बेचारा वो सूख गया, रिवाइव ही नहीं कर पाया, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। चलिए मैं आपको इस कॉर्नर में ले चलती हूँ दोबारा से। यहाँ पर हमारे पास कुछ भिंडी लग रही है, ये देखो भिंडी तो अब अच्छी लगने लग गई है, यहाँ पर भी लगेगी, आपको दिख रही होगी ये लग रही है, और जल्दी हम इसको, ये लग रही है जल्दी हम इसको हार्वेस्ट कर लेंगे। और फूल यहाँ पे बहुत सारे लग रहे हैं, अच्छी अच्छी भिंडी हमें देखने को मिले होपफुली। यहाँ पे भी अगर मैंने आपको भिंडी के पौधे दिखाए, बट मैंने इनको आपकी ग्रोथ नहीं दिखाई आपको इनकी, तो ये देखो ये पौधे काफ़ी बड़े हो गए, देखो इसमें अब फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है भिंडी के पौधों में, फूल वगैरह आ रहे हैं, ये देखो भिंडी भी लग रही है, भिंडी बन रही है छोटी छोटी। तो चलिए ये रेन लिलीज अभी इसमें जो खिले हैं, ये देखो एक दो तो ही खिले हैं, काफ़ी सारे इसमें खिले वो बंद हो चुके हैं, आई होप जल्दी से इसमें और सारे फ्लावर्स खिलेंगे। उसके बाद चलिए बीन्स दिखाती हूँ मैं आपको,
यहाँ पे बीन्स है, ये देखो अब ये लगने लगी हैं बीन्स फाइनली। एक भिंडी का पौधा भी है यहाँ कॉर्नर में, भिंडी बीन्स लगने लगी हैं और जल्दी ही हमें इसमें और बीन्स देखने को मिलेंगी। ये देखो, ये देखो जब ये बढ़ती हैं तो बहुत सारी लटकती है एक साथ, ये देखो। और ये भी इस तरफ को देखो आप, ये देखो जल्दी हम इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। ये बहुत जल्दी बड़ी भी हो जाती है, 3 से 4 दिन में ये काफ़ी जल्दी बड़ी हो जाती है। इनफैक्ट 2 से 3 दिन में ये बहुत बड़ी हो जाती है, हार्वेस्टिंग के लायक हो जाती है। यहाँ पे हमारा एक चप्पन कद्दू का प्लांट है जो कि बस ग्रो ही हो रहा है, इसमें फूल भी आते हैं बट पता नहीं इसमें लग ही नहीं पाता, कुछ फूल आते हैं सूख के गिर जाते हैं। देखो नीचे की तरफ आपको फूल दिखेंगे, होपफुली बरसात में कुछ एक आधा इसमें कुछ लग पाए। ये हमने ब्लैक क्यूकम्बर, अमेरिकन ब्लैक क्यूकम्बर की बेल लगा दी है यहाँ पे, इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है, मेल फ्लावर्स आ रहे हैं। अगेन ये भी एक खीरे की बेल है जो कि मैंने वहाँ पीछे की तरफ आपको याद होगा उसमें लगी थी, जो हमारे कॉर्न्स लगी हैं उसके साथ लगी हुई थी, तो मैंने वहाँ से निकाल के इसको यहाँ लगाया है। ये हमारी चिचिंडे की बेल है जिसमें कि फ्लावरिंग हो रही है, मेल फ्लावर्स आ रहे हैं इसमें बहुत सारे, और पिछले दिनों इसमें काफ़ी सारे पेस्ट का भी अटैक था बट वो थोड़ी रिवाइव हो गई है, अच्छी ग्रो कर रही है, होपफुली इसमें अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हमें आगे। ये नीचे की तरफ बढ़ रही है जिसको हम कोशिश करेंगे कि ऊपर की तरफ ये बढ़े। यहाँ पे भी हमने कुछ कॉर्न्स लगाई थी जो कि ग्रोथ उन्होंने ले ली है, और इस कॉर्नर में मैं आपको नहीं लेके गई, इस कॉर्नर में मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे मैरीगोल्ड लगे हैं बहुत सारी, हमारे पास टर्टल वाइन लगी है। ये टर्टल वाइन देखो ये पूरे इसमें फैल गई है, ये जो टायर प्लांटर है हमारा पूरा इसमें कवर कर गई है ये। अगर मैं पोर्चिला का हटाऊंगी तो यहाँ पे आपको सिर्फ टर्टल वाइन नज़र आएगी। अगेन यहाँ पे हमारे मैरीगोल्ड है और यहाँ पे हमारे पास एक पाइनएप्पल भी है। लास्ट सीज़न में हमने पाइनएप्पल की हार्वेस्ट की थी, हमारे पास 2 पौधे थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, बहुत टेस्टी था वो। उसके साथ यहाँ पर अगेन टर्टल वाइन है और यहाँ पर हमारे पास कड़ी पत्ता है, उसके साथ साथ हमारे पास मैरी गोल्ड है और यहाँ पे भी अगेन टर्टल वाइन है। इस पर हमने कुछ कंपोस्ट तैयार की थी तो इसका रिज़ल्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में दिखाऊंगी, अभी तक मैंने इसको देखा नहीं है, मतलब देखा है मतलब ऐसे निकाल के यूज़ नहीं किया मैंने इसको, वो तैयार हो चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पर, ये हमारे रजनीगंधा के पौधे काफ़ी अच्छे हो गए हैं। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, हमारे पास काफ़ी सारे पौधे तैयार हैं और वाइल्ड टेक्सस चेरी टोमेटो के, ये हमारे पास सिलोसिया लग रही है। अगेन यहाँ पे कुछ मिर्ची के पौधे एंड ये गार्लिक चाइव्स जो आपने सजेस्ट किया था, और मिर्च के पौधे जिनको हमने प्रून किया था, इन्होंने अच्छी ग्रोथ ले ली है, फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है और जल्दी हमें इसमें मिर्च भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर तो आप देख सकते हो ये पर्पल वाली चिलीज़ हैं। ये 2 पौधे मेरे ट्रांसप्लांट होने रह गए हैं जो कि ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसमें 2 तोरी के पौधे थे, इनको भी मैं ट्रांसफ़र नहीं कर पाई। और यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से सेटिंग चेंज की है, हमारे पास पुदीना है पीछे की तरफ को, यहाँ भी आप देखोगे इधर भी, और ये हमारी हैंगिंग बास्केट्स जिसमें कि हमारे पास है लोरोपेटलम, पोर्चुलाकास, जो ये एक्चुअली मैं शाम के टाइम वीडियो शूट कर रही हूँ तो इसलिए पोर्चुला का कोई खिली हुई नज़र नहीं आ रही आपको, एंड वहाँ पर हमारा स्टिकी जो हमने लगाया था ये देखो, इसमें हम देखते हैं कितने सारे पेस्ट हैं, इसमें वाइट फ्लाइज की भरमार है, मुझे नहीं लगता आपको दिख रही होगी बट बहुत सारी छोटी छोटी वाइट फ्लाइज हैं इसमें, अगर आपको दिख पाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोनों तरफ इसके भरी पड़ी है ये, और ये हमारी कॉर्न्स काफ़ी अच्छी चल रही है। बरसात का मौसम 2 दिन से बना हुआ है बट बारिश नहीं हो रही है, ह्यूमिडिटी बनी हुई है, कॉर्न्स काफ़ी अच्छी लग रही है देख के। ये देखो वो पीछे की तरफ को आपको दिख रहे होंगे, उसमें नीचे में हमारे पास खीरे की बेल है। यहाँ पर हमारे पास ये है टिंडे की बेल जिसमें कि टिंडे लग रहे हैं, मैं दिखाऊँ आपको, ये देखो अरे पत्तों के पीछे छुपा है, ये देखो छोटा सा नीचे, अब शायद दिख जाएगा आपको। यहाँ पे भी अगर मैं दिखाऊँ आपको तो बहुत सारे, ये देखो छोटे छोटे टिंडे लग रहे हैं, आई डोंट थिंक ये अभी पॉलिनेट हुए होंगे क्योंकि बहुत छोटे हैं, बट होपफुली ये पॉलिनेट हो जाए जल्दी से। ये देखो नीचे की तरफ को, फिर हमें इसमें हार्वेस्ट मिले देखने को। ये हमारे पास करेले हैं जो कि गर्मियों के सीज़न के लगे हुए हैं,
थोड़े बहुत करेले इन्होंने दिए, बट अभी इसमें सिर्फ मेल फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, कोई फीमेल फ्लावर इसमें नज़र नहीं आया है। उसके बाद यहाँ पे बीन्स है हमारी, तो चलिए यहाँ देखते हैं बीन्स लगने लगी हैं कि नहीं। ये देखो यहाँ पे भी बीन्स लगनी स्टार्ट हो चुकी हैं, बरसात में बहुत जल्दी ग्रो करती हैं ये, तो होपफुली इसमें और भी बीन्स लगी होंगी। जब वो थोड़ा लंबी हो जाएंगी तब दूर से ही दिख जाती हैं, छोटी छोटी पत्तों के बीच में नज़र नहीं आती। देखो ये करेले की बेल यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ रही है, और वो पीछे की तरफ हमारा एक छोटा सा अनार अभी भी टिका हुआ है, जल्दी ही हो सकता है उसे हार्वेस्ट करें। देखो पीछे की तरफ को है वो, यहाँ पे कुछ और फ्लावर्स भी आ रहे हैं यहाँ पे। और ये हमारे पास एप्पल बेर का पौधा है, ये अभी इसने नई शूट्स निकाली हैं अपनी। पीछे की तरफ अगेन टर्टल वाइन देख पाओगे आप, चिली का पौधा है जिसमें कि फ्लावरिंग हो रही है। और यहाँ पे आप देखोगे ये हमारे पास अजवाइन के लीव्स हैं, पीछे हमारे पास लेमन ग्रास है, एलोवेरा है, ये नीम का पौधा। नीम का पौधा तो बिल्कुल पेड़ बन चुका है, ये देखो कितना बड़ा लग रहा है ये कॉर्नर बिल्कुल इस तरीके से लगता है। और ये नीम का पौधा देखो कहाँ पहुँच गया, ये मेरी हाइट से भी ऊपर निकल गया, ये मतलब 5-6 फुट का हो गया होगा, 6 का तो नहीं हुआ होगा इनफैक्ट, बट 5 फुट से ऊपर हो गया ये। और हमारे पास यहाँ पर ये चाइनीज़ गुआवा, ये भी काफ़ी बड़ा हो गया है पौधा, और ये हमने बड़े बड़े पॉट्स में लगाया हुआ है। एक्चुअली ये 12 इंच के बड़े पॉट्स हैं, ये नीचे से भी काफ़ी ब्रॉड है तो इसलिए इसमें पौधे अच्छे ग्रो करते हैं। ये चिली का पौधा है, अगेन यहाँ पर बहुत सारी चिली हैं, देखो सब में फ्लावरिंग है। यहाँ पे ये पोछे ये सूख गया है पीछे पौधे, ये देखो ये छोटे प्लांटर में है, 8 इंच के प्लांटर में है, ये प्लास्टिक के पानी की कमी से सूख गए ये। इसके लिए मुझे लगा था कि शायद ये क्लस्टर बीन हो, बट इसमें अभी तक कोई भी ऐसा ना फ्लावरिंग हुई है ना ही कुछ ऐसे साइंस है कि इसमें कोई फ्रूट निकलेगा। आई डोंट नो, कई बार ऐसा होता है कि जंगली पौधे भी निकलते रहते हैं, हमें लगता है पता नहीं कुछ अच्छा लग गया, तो उसी इंतज़ार में ये वेट कर रहा है। और ये कितना बढ़ गया है देखो, यहाँ से ये ऊपर तक मैंने इसको चढ़ाया हुआ है, होपफुली इसमें कुछ लग पाए। यहाँ पे अगेन हमारे पास मैरी गोल्ड है जिसमें कि बर्ड्स आ रही थी, और बट अभी इसमें फूल कोई नहीं आया है। यहाँ नीचे चिली के पौधे हैं जो कि सीडलिंग तैयार है बिल्कुल ट्रांसप्लांट के लिए। यहाँ पे कुछ कटिंग्स लगाई थी हमने, ये काना लिली की, वो बेचारी वो हो गई, गल गई। और यहाँ पे ये हमने डेविल्स बैकबोन लगाई थी, ये चल रही है। और यहाँ पे ये स्नेक प्लांट है। उसके बाद इस वाले कॉर्नर में हमारा चीकू का पौधा है जैसा कि आप लोगों को पता ही है, और यहाँ पे अगेन इसमें काफ़ी सारी ग्रोथ है। फिर ये कुछ और चिली के पौधे हैं, यहाँ पे बैंगन के पौधे हैं, 2 पौधे थे, ये देखो ये रिवाइव कर गया है, इसमें बहुत सारी फ्लावरिंग हो रही है जैसा कि आपको दिख रहा होगा, और ये इसमें अभी तक नई ग्रोथ नहीं देखने को मिली। इसके बाद ये हमारा टच मी नॉट है जो कि अब शाम के टाइम इसकी पत्तियाँ बंद हो जाती हैं। बहुत सारे हमारे रोजेज़ हैं यहाँ पे, सब में न्यू ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, देखो बडिंग भी हो रही है। इन पर थोड़ा टाइम मैं अब निकाल के लगाने वाली हूँ, इनको यहाँ से उठा के और फिर मैं दीवार के ऊपर शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि बरसात में फिर इनको थोड़ा फंगस वगैरह ज़्यादा लग जाती है, पेस्ट वगैरह लग सकती है, तो ओपन धूप में रहेंगे तो ये सही रहेगा, हालांकि धूप भी बहुत तेज़ होती है, बट चलिए देखते हैं क्या होगा। उसके बाद ये कॉर्नर बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ हो गई है, ये देखो ये आपको दिख रहा होगा, जीनियाज़ लगे हैं यहाँ पे हमारे जो कि काफ़ी अच्छे ग्रो कर रहे हैं। उसके बाद ये भी अगेन बैंगन के पौधे, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, इन्होंने बैंगनों ने रिवाइव कर लिया, और अभी भी इसमें ये देखो छोटी छोटी स्पाइडर माइट्स हैं, दिख रही हैं, देखो आई डोंट नो आपको दिख रही कि नहीं, बट ये देखो रिवाइव कर लिया इसने और बैंगन भी दे रहा है ये अब, ये देखो, बट ये स्पाइडर माइट्स नहीं हट रही हैं। चलिए इसमें मैं अभी शाम का टाइम हो रहा है जैसे तो मैं स्प्रे कर दूंगी। ये अगेन हमारे पास पौधा है अमरूद का, तो इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। पीछे हमारे पास एक मौसमी का पौधा भी है जो कि मैं आपको अभी तो निकाल के नहीं दिखा पाऊंगी, बट मैं बाद में निकालूंगी। ये है मौसमी का पौधा, इसमें भी अच्छी ग्रोथ है, सॉन्ग ऑफ इंडिया लगा है, हमारे पास एरो हेड है बहुत ज़्यादा हो गया, पीछे हमारे पास बीच में वहाँ सिंजेजियम भी है, और ये हमारे पास है, ये देख पाओगे आप अपराजिता में फ्लावर्स खिल रहे हैं। उसके बाद ये रोज़ेस, अगेन ये गजानिया के पौधे जिसमें कि थोड़ी सी पानी की कमी हो रही है। ये हमारे पास बटन रोज़, अगेन इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। और ये कॉर्नर सारा हमारा ऑर्नामेंटल प्लांट्स का जिसमें काफ़ी हमारे पास सॉन्ग ऑफ इंडिया है,
और सॉन्ग ऑफ इंडिया सॉरी पीछे की तरफ है हमारे पास ये एरिका पाम्स हैं, फिनिक्स पाम है हमारे पास, उसके बाद ये चाइनीज़ पाम, साथ में बहुत सारे सेंसिवेरियाज। सो फ्रेंड्स, एक तरीके से मैंने आपको ये पूरा अपना गार्डन का टूर दे दिया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप गार्डनिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। बाय बाय।